नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। हमें बताना है विच नंबर इज लार्जर, किस में से 1.1 रेज टू द पावर 10,000 और 1,000। 1.1 की पावर 10,000 में से और 1,000 में से कौन सा बड़ा है, ये तो हमें पता है कि 1,000 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन 10,000 तक हम कैसे जाएंगे, हमें जैसे यहाँ पे n पावर 5 थी तो 6 टर्म लिखनी पड़ती थी, 4 पावर होती है तो 5 टर्म्स होती हैं उसके अंदर। अब 10,000 टर्म्स लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कुछ टर्म्स लिखेंगे, एक या दो तीन टर्म्स हम नोट करते हैं क्या बनेगा। 1.1 रेज टू द पावर 10,000 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आता है एन सी जीरो, 10,000 सी जीरो इंटू, अच्छा ये 1.1 हमने यहां क्या लिखना है, इसको 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर 10,000। तो इसके हिसाब से इसको सोल्व करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा 1 की पावर 10,000 इंटू 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 सी 1, 1 की पावर क्या हो जाएगी 9999 और 0.1 की पावर 1 और प्लस डैश डैश, अब इसमें माइनस कहीं नहीं है इसलिए सारी पॉजिटिव टर्म्स ही आएंगी, प्लस पॉजिटिव टर्म्स, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, दिस इज 1 इंटू 1, इसकी पावर 0 है ये भी 1, प्लस सेकेंड टर्म जो है एन सी 1 है, एन सी 1 की वैल्यू हमेशा n होती है, तो n क्या हो गया हमारा 10,000। और इनटू दिस इज 1, 1 रेज टू पावर 99 ये 1 हो गया और ये आ जाएगा 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ये 1 हो गया और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस दिस इज 1,000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, यह आ गया 1,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब इसमें क्या हो गया 1,001 हो गया और प्लस में कुछ टर्म्स और भी हैं अभी, तो यानी 1,000 से तो बड़ा ही है ये, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.1 रेज टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 इज, 11th क्वेश्चन में करना है हमें फाइंड a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस ए माइनस बी रेज टू द पावर 4, हेंस इवेल्युएट दिस। पहले हमने क्या करना है a प्लस बी की पावर 4 और माइनस a माइनस बी की पावर 4 को सॉल्व करना है और फिर फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की पावर 4, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी की पावर 4 कितना आता है एन सी यानी 4 सी 0 a की पावर 4, 4 सी 1 a की पावर 3 b की पावर 1, 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4c3 a की पावर 1 हो जाएगा b की 3 हो जाएगी, 4c4 a खत्म हो जाएगा और b की पावर 4 हो जाएगा। a माइनस में क्या हो जाएगा 4c0 a की पावर 4, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ये a माइनस b का फॉर्मेट हो गया। 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 ए स्केयर बी स्केयर
माइनस 4c3 ए बी क्यूब प्लस 4c4 बी की पावर 4, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, क्योंकि ये हम माइनस कर रहे हैं तो इनके हम दोनों को जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होते ही हमारा क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, और ये बचा क्या हमारे पास, 2 इंटू 4c1 ए क्यूब बी और प्लस 2 इंटू 4c3 ए बी क्यूब, यानी अब कितनी वैल्यू हो गई हमारी, 4c1 4c1 होता है 4, 4 टू जा 8, 8 ए क्यूब बी और ये भी 8, 8 ए बी क्यूब, यानी 8 ए बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारा इसका आंसर क्या आ गया, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 की 3 माइनस अंडर रूट 2 की पावर 4, तो हम a को अंडर रूट 3 ले लेते हैं और b को अंडर रूट 2 ले लेते हैं, तो हमारे वही वैल्यू बन जाएगी। यहां पुट करते हैं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 8 रूट 3 रूट 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, 8 रूट 6 हो गया और अंदर आ गया 3 प्लस 2 यानी 40 अंडर रूट 6, तो हमारी इसकी वैल्यू जो आ जाती है वो हो जाती है 40 अंडर रूट 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th क्वेश्चन में गिवन है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 रेज टू द पावर 6 प्लस x माइनस 1 रेज टू द पावर 6 और उसके बाद फाइंड करना है रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6। इसके लिए हम सबसे पहले x प्लस 1 की पावर 6 को फाइंड करेंगे, ये क्या होता है 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 हो जाएगा, 1 की पावर 1 कोई वैल्यू नहीं है, 6c2 x की पावर 4 1 की पावर 2 हो जाएगी, 1 ही रहेगा, 1 की पावर इसमें हर जगह 1 रहेगा, तो x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 6 5 4 3 यहां हमने 4 लिखना था, 6 ही 3 था 4 हो जाएगा, अब 5 x की पावर 1 हो गया और 6c6 x की पावर 0। अब आता है x माइनस 1, उसमें क्या होगा, सिर्फ ये माइनस के हो जाएंगे हमारे ओड वाले, क्या आएगा 6c0 x की पावर 6 माइनस 6c1 x की 5 6c2 x की 4 6c3 x की पावर 3 6c4 x की पावर 2 6c5x और प्लस 6c6x की पावर 0। नाउ एडिंग, बोथ साइड्स x प्लस 1 की पावर 6 यहां 6 है प्लस x माइनस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस का ये और ये, अब बचा क्या हमारे पास 2 इंटू
6c0x की पावर 6 प्लस 2 इंटू 6c2x की पावर 4 प्लस 2 इंटू 6c4x की पावर 2 प्लस 2 इंटू 6c6x की पावर 0। दिस इज इक्वल टू, अब 6c0, 6c0 क्या होता है 1, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं सारे में से, इसको इकट्ठा लिख लेंगे, 6c0 1 हो गया तो x की पावर 6 हो गया, प्लस 6c2, 6c2 होता है 15, x की पावर 4, 6c4 भी 15 होता है, x की पावर 2, और प्लस 1 बच गया, ये आ गया हमारा। नाउ पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 यहां पुट करेंगे तो हमारा ये वाली भी चीज बन जाएगी, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू, यहां पुट कर दीजिए, अंडर रूट 2 की पावर 6 15, अंडर रूट 2 की पावर 4 15, अंडर रूट 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 इंटू अंडर रूट 2 की पावर 6 हो गया 8 प्लस 15 इंटू ये हो गया 4, 15 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 99, दिस इज इक्वल टू 198, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया।